रिलेशनशिप है, ना ही कोई इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर आप अगर अगर वो है कि हमने उनके पेपर में कोई इन्वेस्टमेंट किया है, तो मैं ये साफ कहूँगा यहाँ पे कि DHSL हैज नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और रिलेशनशिप व्हाट्सोएवर विद IL&FS। DHSL के कोई भी शेयर्स, चाहे वो प्रमोटर्स के एंगल के हो या होल्डिंग कंपनी के हो, नॉट अ सिंगल शेयर इज प्लेज्ड। ठीक है शर्मा जी, कोई डिफॉल्टी है, प्रमोटर की कोई होल्डिंग प्लेज नहीं पड़ी। दूसरी बात, उन्होंने कहा IL&FS के साथ कोई लेना देना नहीं है, व्यापार हमारा ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक था, लेकिन शेयर फिर भी 45% नीचे था। अब करना क्या सर? देखिए, ये एक मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लियर कट पैनिक और उसके साथ में जो है जो एक वर्स्ट सेंटिमेंट है इस सेगमेंट के लिए, उसका नतीजा है। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि AAA रेटेड बॉन्ड्स हैं ये, और उसको बेचने के लिए कोई अगर इतना डेस्परेट हो जाता है कि इतना नीचे करके बेचता है कि उस पर यील्ड 11% तक हो जाए, और उसको एक ही दिन में मैं बेचने वाले को सब माल बेचना है, और उसके कारण सेंटिमेंट स्टॉक का खराब होता है कि लोग या इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि ये बंदा इतना इतना भाव गिरा करके बॉन्ड्स को क्यों बेच रहा है, क्या कंपनी में कोई खराबी है, जबकि कंपनी में कोई खराबी नहीं है, लेकिन उसके कारण कि वो बॉन्ड होल्डर उसको बेच रहा है और एग्रेसिवली बेच रहा है और भाव को नीचे करके बेच रहा है, इतना कि यील्ड 11% के ऊपर तक आ जाती है, उसके कारण शेयर में सेंटिमेंट खराब होता है। मेरे ख्याल से सरप्राइजिंग है, और पहली बार मैं मेरी जिंदगी में देख रहा हूँ कि इस तरह से AAA रेटेड बॉन्ड की एक तो बिक्री हो रही है, और दूसरा उस बिक्री के कारण स्टॉक का सेंटिमेंट इतना खराब हो रहा है कि एक फाइनेंशियली बहुत ही साउंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उसके शेयर को इतना जबरदस्त पीटा गया। मैं आपको एक नॉर्म बता दूं कि जहां तक हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस का बात है, सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां लीवरेज होकर के ही लोन देती है, तो लीवरेजिंग ज्यादा होना यहां पर कोई कंसर्न नहीं है, ये कोई नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का डेट इक्विटी नहीं है। ठीक है शर्मा साहब, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात रखी है, ये दीवान हाउसिंग के बारे में जो स्टडी करके आप बॉन्ड्स की बात भी बता रहे थे, शुक्रिया समय देने के लिए। संदीप जी, आज समय इतना ही है, तो आपसे और भी बात होती मार्केट की, लेकिन बहुत